गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सुबह 11 बजे मौर्य होटल में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, मुकेश सहनी, मोहन प्रकाश और अखिलेश सिंह के साथ कई बड़े नेता प्रेस को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की पटना से सामने आ रही है, जहां आज पटना में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह 11 बजे पटना के मौर्य होटल में होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पटना के मौर्य होटल में, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ संदेश आज यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि 12 तारीख को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं और रोड शो करेंगे। इससे पहले ये इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो महत्वपूर्ण है। खासतौर पर बात करें तो 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना था, लेकिन 15-20 मिनट इसमें विलंब हो सकता है। इसका कारण ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें कल रात ही आना था, लेकिन वो चुनावी सभा से लेट पहुंचे, जिसके कारण वो आज 10:30 बजे पटना पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, लालू यादव रहेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे, सीताराम येचुरी रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश रहेंगे और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह रहेंगे। ये तमाम लोगों की जो संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, तो ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा अपने वोटरों को कि हम जो है कितने अपने वोटरों के लिए चाहे अपने लोगों के लिए हैं। और खास तौर पर जो पीएम आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये प्रेस वार्ता में तमाम चीजों को डाला जाएगा कि पीएम आ रहे हैं उसको लेकर। तो इस तरह से देखा जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण ये विपक्ष के लिए हो जाता है और यही कारण है कि लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। और इस चुनाव में देखा जाए, इस चुनाव में देखा जाए तो आपको चौथे चरण के एक दिन ये दो दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये पहला मौका होगा जो लालू यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मल्लिकार्जुन तो कर चुके हैं, लेकिन लालू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहला मौका होगा इस चुनाव में करने का। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौर्य होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और विपक्ष के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है, बिहार की राजनीति में भी, कि लगातार प्रधानमंत्री को लेकर के सवाल का पॉलिटिक्स जो है वो जोर पकड़ रहा है, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, चाहे बात हम तेजस्वी यादव की कर ले या लालू प्रसाद यादव की कर ले, लगातार पीएम पर सवाल यहाँ पर दागे जा रहे हैं। तो क्या आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से क्या कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, सवालों के जरिए हमला किया जा सकता है? जी जरूर, लगातार जो है सवाल किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं, साथ ही विपक्षी दल जो है वो लगातार पीएम से सवाल कर रहा है। और खासतौर पर आरजेडी की बात करें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव अधिक से अधिक सवाल पीएम से कर रहे हैं, तो इसमें भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और साफ तौर पर कई बिहार में चीजें हैं, जैसे उद्योग लगाने के मामले हों, जैसे लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं चीनी मिल नहीं खोला गया, पता ही एयरपोर्ट का मामला हो, कई ऐसे भाषण जो है प्रधानमंत्री ने दिए हैं अपने चुनावी भाषण में और वो जो काम नहीं हुए हैं उसको कोट किया जा सकता है और उस पर सवाल पूछा जा सकता है। बेरोजगारी की बात की जाए तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाए हैं, तो बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया जा सकता है, उद्योग धंधे लगाने के लिए सवाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पे सवाल जो है विपक्ष प्रधानमंत्री से मीडिया के द्वारा करेगा। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज चुनाव